Hello students, welcome back. I am very sure all of you must be paying due attention to your revision. If you can manage your revision time, you will definitely score well. We are dealing with unit number 9, and the previous video we have discussed biotechnology principles and processes. As you know, this unit has got a weightage of 11 marks. Generally, chapter 11 covers 6 to 7 marks, whereas chapter 12 has got 4 to 5 marks, right? So today we'll discuss about applications of biotechnology. Biotechnology plays diverse role. In my words, it has revolutionized everything, all aspects of life, right from agriculture, medicine, diagnostics, industries. Biotechnology is playing a very, very crucial role. In the meantime, let me remind you, you can get access to the content, the question paper, through a link which is shared in the description of the video. आप सब इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और जो वर्कआउट है ये आपके लिए डिजाइन किया गया है तो बी वेरी श्योर कि आप वर्कआउट करें. यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन लूँ यूट्यूब पे, डेफिनेटली यू कैन सेंड मी द मेल और मे बी राइट इन कमेंट्स. दैट विल बी बेटर सो दैट आई कैन प्लान अ सेशन बिफोर योर एग्जामिनेशन एंड क्लियर अप योर डाउट्स देयर इटसेल्फ. लेट्स बिगिन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. So, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सारे इंडस्ट्री, चाहे केमिकल इंडस्ट्रीज हो, मेडिसिन हो, एग्रीकल्चरल हो, पावर हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, फूड इंडस्ट्री हो, सभी जगह बायोटेक्नोलॉजी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा है ह्यूमैनिटी को. डायग्नोस्टिक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गए क्योंकि आज जो कोविड के बाद का पीरियड है, वैक्सीन की बात कर लीजिए, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. फूड प्रोसेसिंग अगेन बायोटेक्नोलॉजी. सो it deals with industrial scale production of biopharmaceuticals, biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. So what are the three areas? ek sawal ye pucha jata hai, what are the major areas of or critical areas of research in biotechnology? to ye three critical areas hain. bahut simply, jaisa ki maine pehle bhi kaha tha, apne dimag mein sequence ko dal lijiye. hamara pehla objective kya tha biotechnology ka? to provide best catalyst, और वो improved organism हो सकता है या pure enzyme हो सकता है. अब उस enzyme या organism को work करने के लिए एक ऐसा condition चाहिए जो उसे support करे, optimum condition, pH, temperature, oxygen, सब कुछ balance. So creating optimal condition through engineering for a catalyst to act. और third, जो product बन रहा है उसे आइसोलेट और प्यूरिफाई करना, यानी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस. सो टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सवाल जरूर आ सकता है और इन पास्ट ये पूछा भी गया है. ये तीन एरियाज आप जरूर से मार्क डाउन करेंगे एज इट इज. नाउ वी सी हियर, थोड़ा सा अपने व्यू को यहां पे स्ट्रेंथन करने के लिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी. द ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसने तकरीबन हमारे फूड प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दिया था, लेकिन साथ ही साथ कई सारे प्रॉब्लम्स भी आए. क्या प्रॉब्लम्स था? स्टेरिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर लेवल का कम होना, अनवांटेड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, नॉन टारगेट पेस्ट या इंसेक्ट को भी मार देता था. देन केम द पीरियड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन टू द जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जहां पे हम जीन्स ट्रांसफर, जीन को मैनिपुलेट करके डिजायर्ड रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज व्हाट, बट जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि फूड प्रोडक्शन में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट? ग्रीन रिवोल्यूशन ने भले ही हमारी फूड सप्लाई को बढ़ा दिया, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो डेवलपिंग वर्ल्ड के फार्मर्स थे, उनके पास में एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल टूल्स लेने के लिए पैसे नहीं थे. उसके बाद बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन साथ में है, क्योंकि जो वैरायटीज हैं उनको खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का बहुतायत से इस्तेमाल क्रॉप को तो बढ़ावा दे रहा था, लेकिन सॉइल को स्टेराइल या अनफर्टाइल करना शुरू कर दिया, राइट? सो बायोटेक्नोलॉजी केम एज अ न्यू होप और देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म हैज बीन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके कई सारे हालांकि एडवांटेज भी हैं. अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इफ
अ पर्सन इज आस्क्ड टू हैव न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, तो फ्रूट्स का लेना बहुत जरूरी है। विटामिन ए के लिए अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स आर नॉट दैट चीप, एटलीस्ट इन इंडिया। सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? अगर आप गोल्डन राइस की बात करें, इट इनकॉर्पोरेट्स जीन जिसकी वजह से उस राइस के अंदर ही बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस होता है और विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। तो यू टेक राइस, विटामिन ए कैन बी सप्लीमेंटेड। दिस इज ओनली थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं, वी मेक ऑर्गेनिजम्स विच हैज गॉट जीन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। सो इसे कुल मिला के आप ट्रांसजेनिक कह सकते हैं, राइट? बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स की बात यहाँ करेंगे। यदि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जीएम प्लांट को यूज कर रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट why we should use them to enhance the nutritional quality of the food. Just like example maine golden rice ka diya, it is vitamin A enriched, right? Uske baad jo crop hai unko aap zyada tolerant bana sakte hain, kis cheez ke liye? Abiotic stress ya biotic stress, jaise cold, drought, salinity, inke khilaf behtar bana sakte hain ki aise paude wahan grow kare. Kuch aise crop hain jaise tomato ki baat kar lijiye, tomato उगाना आसान है लेकिन उसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसकी जो छिलके हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं और टमाटर खराब हो जाता है। नाउ इन मार्केट देयर आर सम स्पेशल टोमेटोज, फ्लेवर सेवर टोमेटोज। लेट मी शेयर विथ यू फ्लेवर सेवर टोमेटोज। ये एक ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोमेटो है क्योंकि जो एंजाइम पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज जो पेक्टिन या उसके कवर को डिग्रेड करता था उसे बाइंड कर दिया गया, उसे इनहिबिट कर दिया गया, उसे रोक दिया गया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ऐसा टमाटर बहुत ज्यादा दिन तक फ्रेश रहता है। सो इट इज फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप दैट वाज फ्लेवर्ड सेवर टोमेटो। साथ में प्लांट्स की एफिशिएंसी टू यूज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल दैट वाज आल्सो एनहांस्ड। बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को भी प्लांट के थ्रू बनाने की जो चलन है वो शुरू हो गई। आपको पता होगा एक एंटीकॉगुलेंट के बारे में, हीरोडीन, हीरोडिनरा ग्रैनुलोसा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। वहां पे देखते हैं कि हीरोडीन एक एंटीकॉगुलेंट के रूप में काम आता है। तो हीरोडीन बनाने वाले जीन को सरसों में ब्रासिका नेपस में इंट्रोड्यूस किया कराया गया और उसके सीड्स के माध्यम से अब उसके सीड में हीरोडीन की मात्रा है जिसे कि प्योरीफाई करके आगे मेडिकल यूज के लिए आइसोलेट किया जाने लगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है ना, जैसे वीड्स वगैरह आप बहुत आयत से इस्तेमाल करते हैं, दैट मे नॉट बी गुड फॉर द प्लांट, नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, तो उसकी जगह आप लोग यूज करें बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड प्लांट। सो दीज आर सर्टन अवेन्यूज जहां हम बात करते हैं कि किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी हमारी मदद करता है, राइट? लेट्स मूव फर्दर। नाउ एग्रीकल्चर में बहुत स्पेसिफिक रोल की हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर में देयर आर लॉट ऑफ कैश क्रॉप्स। वन कैश क्रॉप, सच कैश क्रॉप इज कॉटन एंड अदर इज टोबैको, राइट? सो कॉटन इज जनरली इन्फेक्टेड बाय सम लेपिडोप्टेरन्स इंसेक्ट्स, टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म, बीटल्स, फ्लाइज एंड मस्कीटो। उसके लिए जो हम वीडीसाइड या पेस्टिसाइड हम जो यूज करते हैं, नॉट वीडीसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, दैट इज नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इट ऑल्सो किल्स नॉन टारगेट इंसेक्ट, राइट? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखा गया कि सॉयल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजिनेंसिस। स्पेलिंग याद रख लीजिए, बैसिलस थुरिनजिनेंसिस। उससे एक जीन आइसोलेट की गई जिसका नाम है क्राई जीन, और ये क्राई जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कॉटन प्लांट के अंदर में। ये क्राई जीन एक खास तरह की प्रोटीन बनाती है विच इज कॉल्ड एज क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन एक प्रोटीन क्रिस्टल है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, राइट? और जब उसे अल्कलाइन पीएच मिलता है, अल्कलाइन मीन्स वेयर पीएच इज मोर देन 7, देन इट स्टार्ट्स गेटिंग सोल्यूबलाइजिंग। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है, किस प्रकार से ये काम करता है, राइट? सो बीटी जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट में। अब द कॉटन प्लांट हैज गॉट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस
बीटी टॉक्सिन, जिसे आप कहते हैं प्रोटोटॉक्सिन, और जब इंसेक्ट इसे इंजेस्ट करता है, व्हेन इट टेक्स इट, देन क्या होगा, फूड उसके मिडगट में पहुंचा, वहां पे पीएच है वो अल्कलाइन है, और नाउ दिस प्रोटोटॉक्सिन और क्राय प्रोटीन घुल जाएगा, इट विल गेट सॉल्युबलाइज्ड एंड इट बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स, और उसे धीरे धीरे करके वो स्वेल करेगा, और अल्टीमेटली दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड विच लीड्स टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट. दिस हाउ इट्स अ ग्रेट मैकेनिज्म. बीटी टॉक्सिन, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया कोडेड बाय क्राइजीन. नाउ देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइजीन जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल में आती है, जैसे कॉटन बॉल वर्म्स. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए. Cry1AC एंड Cry2AB, 1AC एंड 2AB ये दोनों बॉलवर्म को कंट्रोल करेंगे, एंड Cry1AB विल कंट्रोल कॉर्न बोरर. राइट, दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस बीटी कॉटन. बीटी ब्रिंजल भी बना है, बट देर आर लॉट ऑफ यूज एंड क्राइज. आप सोचिए क्यों इतनी बातें चल रही हैं, बीटी कॉटन क्यों नुकसानदायक है, या बीटी ब्रिंजल क्यों नुकसानदायक है, या नुकसानदायक है भी कि नहीं. Have your opinion there. Second cash crop जिसकी बात हम करते हैं, that is tobacco. And tobacco is again infested by another nematode, Meloidigyne incognita. इस नाम को भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, Meloidigyne incognita. ये infect करती है roots of tobacco plant को, और basically roots में cracks आ जाते हैं, और जिससे कि secondary infections बढ़ जाते हैं, and प्लांट स्टार्ट्स डाइंग. राइट, तो क्या तरीका अपनाया गया, यूकैरियोट में देखा गया कि देयर इज अ यूनिक वे ऑफ साइलेंसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन. जीन्स आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एट द फॉर्म ऑफ आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम दैट आरएनए बाय ट्रांसलेशन प्रोटीन इज बीइंग फॉर्मड. राइट, इफ दैट आरएनए कैन बी साइलेंस्ड, उसके एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है, देन इट विल बिकम ग्रेट. So this technique is called as RNAi, या RNA interference, या RNA silencing, right? ये देखिए RNA interference, जिसकी वजह से roots में ये pest नहीं survive कर पाएगा. अब होता क्या है? Basically silencing of specific mRNA, ये काम करता है double stranded RNA, right? Double stranded RNA का क्या मतलब? RNA का दो strand हो सकता है, एक complementary to each other, it binds and form double-stranded RNA. And double-stranded RNA are cut into small pieces, jinko hum log small interfering RNAs kehte hain. Right? So, small interfering RNA is being formed. Dekhiye yahan pe, double-stranded RNA ko cell mein introduce kiya gaya. Uske baad, there are some enzyme, dicer, jo double-stranded RNA ko cut karke, chute-chute RNA strands mein divide kar dete, jise hum log kehte hain, siRNA. अब siRNA स्लाइसर और कुछ और कंपाउंड के साथ, आर्गोनॉट प्रोटीन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है रिस्क, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. याद रखिएगा रिस्क. नाउ इसमें से जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए का डबल स्टैंड है, एक स्टैंड को बाहर निकाल दिया गया. राइट, एंड द अदर स्टैंड, द गाइड स्टैंड, वो जिस आरएनए को साइलेंस करना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाकर फिट हो जाता है. राइट, यू सी हियर आउट, ये फिट हो गया यहां पे, और फिट होने के बाद में देखिए द स्लाइसर क्लीव्स द आरएनए हियर आउट, ये कट कर दिया, एंड देन द एक्सोन्यूक्लियस विल डिस्ट्रॉय दिस आरएनए. This is how we call RNA silencing, right? RNA silencing, we have got dicer, small interfering RNA, it binds to argonaut protein, slicer, thereby making risk, और एक target mRNA को ये block करता है, और यहां से RNA को दो part में divide कर दिया, which is digested by endonucleus, right? Hence translation is prevented. So this is the mechanism of RNAi. राइट, सो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएसआरएनए बाइंड्स टू प्रोटीन डाइसर व्हिच क्लीव्स डबल स्टैंडर्ड आरएनए टू स्मॉल फ्रैगमेंट,
And one of the RNA strand is loaded into RISC complex and links the complex to the mRNA strand by base pairing. Yahan dekhiye, jud gaye. And then after mRNA is cleaved and destroyed, no protein can be synthesized now. Right? So what is the mode here out? Aap examination mein aayega to kya likhenge? You will write here. Using, ab kis prakar se us gene ko hum pahunchate hain? Host plant mein, using natural genetic engineer. Agrobacterium tumefaciens. Using agrobacterium vector, nematode specific genes were introduced into host plant or transgenic. Now the plant is transgenic. Up interaction of DNA will produce what? Both sense and antisense RNA. Thereby, dono saath mein judki kya banayenge? Double stranded RNA. Sense and antisense are complementary to each other. They form double stranded RNA. Aur yahan shuruaat ho jayegi RNA I ki. राइट आरएनएआई की शुरुआत हो जाएगी. अब आरएनएआई की शुरुआत हो गई यानी अब जो पैरासाइट है इट विल नॉट बी एबल टू लिव बिकॉज द ट्रांसजेनिक एनवायरनमेंट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव एंड द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए वहां इनका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है. ट्रांसजेनिक प्लांट इज नाउ प्रोटेक्टेड. सो द सिंपल कॉन्सेप्ट इज बींग यूज in production of tobacco plant, which is made free from myeloidogyny incognita. Now, we move to the next area where we talk about use of biotechnology in medicine. आपने insulin के बारे में सुना होगा. Insulin is used by the patient suffering from diabetes. So, insulin का production कहाँ पे होता है? Normally हमारे body में pancreas में. But पैंक्रियास के बीटा सेल्स अगर काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन वहां प्रोड्यूस नहीं होगा. देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? यू नीड टू टेक इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड, राइट? एंड दैट इंसुलिन कैन बी फ्रॉम अदर एनिमल सोर्सेस लाइक अदर कैटल्स और इट कैन बी मेड इनटू लेबोरेटरी. लेट्स सी हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प द मैनकाइंड विद मेकिंग ऑफ द इंसुलिन, राइट? हम बात करेंगे बैंटिंग मैक्लियोड बेस्ट एंड कॉलिप इन साइंटिस्ट की बात करेंगे. सो सबसे पहले जो इंसुलिन है दैट्स अ प्रोटीनेशियस हार्मोन. उसमें दो चेन होते हैं, चेन ए और चेन बी. चेन ए में 21 एमिनो एसिड और चेन बी में 30 एमिनो एसिड और ये जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के माध्यम से, राइट? सो बैंटिंग और बेस्ट ने देखा कि शुरुआत में 1921 में इंसुलिन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम डॉग्स पैंक्रियास और उसका इस्तेमाल किया गया डायबिटीज को क्योर करने में ह्यूमन में. बाद में कैटल्स का इस्तेमाल होने लगा, कैटल्स को मारकर उनके पैंक्रियास से इंसुलिन निकाला गया. लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दिस. सोचिए क्या प्रॉब्लम रहा होगा. तब तक हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर को एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं. ये देखिए ए चेन और बी चेन, राइट? 20 अमीनो एसिड हियर आउट एंड 31 अमीनो एसिड हियर आउट. बट एक्चुअली जब ये इंसुलिन बनता है हमारे बॉडी में सो इसमें सिर्फ दो चेन नहीं, इसमें तीसरा चेन भी होता है. इसको हम लोग सी चेन कहते हैं. दैट सी चेन इज प्रेजेंट इन दिस इंसुलिन एंड देन इट इज कॉल्ड एज प्रो हार्मोन. इट इज नॉट द फंक्शनल हार्मोन, इट इज द प्रो हार्मोन. और जब ये मैच्योर करती है तो इस सी स्ट्रेच को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है टू मेक इट फंक्शनल हार्मोन, राइट? तो इंसुलिन जो आपने आइसोलेट किया स्लॉटेड कैटल या पिग से उसमें क्या तकलीफ थी? नंबर वन, इट वॉज कॉस्टली. बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कैटल को आप स्लॉटर करेंगे तो बहुत कम अमाउंट ऑफ इंसुलिन होगा जिससे कम लोगों को दिया जा सकता है. तो इट वॉज अ कॉस्टली अफेयर. उसके अलावा जब आप इन्हें एडमिनिस्टर करते हैं तो दूसरे सोर्स से लिए गए हैं तो थोड़ी सी वहां पे एलर्जी सब्सटेंस के भी जाने के चांसेस होते हैं और द पेशेंट माइट हैव एलर्जी, राइट? नाउ द बायोटेक्नोलॉजी इन 1983 came up with a wonderful, wonderful invention. What happened? देखा गया कि chain A को बनाने वाले जीन को अगर E. coli में डाल दिया जाए तो that E. coli started producing A chain. Similarly, अगर B chain में डाल दिया जाए तो that started producing B chain, right? और laboratory में उसे जोड़ दिया गया, thereby forming proper insulin. And that insulin was called as Humulin. उसे नाम दिया गया Humulin. और ये Humulin बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नाम याद रख लीजिए, राइट? ए और बी चेन को कैसा बनाया गया? सेपरेटली इन बैक्टीरिया एंड देन इट वाज जॉइंड इन द लैबोरेटरी.
thereby making it a safe for human beings. Right? So now we see another disease. Generally, body mein kuch vishesh prakar ke cells hote hain, jaise leukocyte WBC, unme kuch enzyme banane ki capability hoti hai, jaise ek enzyme hai, jise aap kehte hain enzyme is called as adenosine deaminase, ADA, right? Adenosine deaminase, ये हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और अगर ये डीएनए, ये एडेनोसिन डीएनएज नहीं बनती है, दैट मे रिजल्ट इन डिजीज लाइक स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हीमोफीलिया, राइट? तो इसकी करेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है. पहली बार इस केस को रिपोर्ट किया गया 1990 में, अशांति डिसिल्वा, 4 ईयर गर्ल हु हैड द प्रॉब्लम ऑफ एडीए. देखिए, सी इज अशांति डिसिल्वा वर्किंग एज अ काउंसलर नाउअडेज, right? So kya kiya gaya? What did biotechnology, the group of doctors, they did a wonderful job. What was the job? The lymphocyte from the patient blood are grown in a culture outside the body. Lymphocyte ko grow kiya gaya, right? And now using a retroviral vector ki madad se, jaise adenosine deaminase wala complementary DNA ko uske andar mein dala gaya. And now this lymphocyte had the ability to produce what? Adenosine deaminase, right? So problem dur ho gaya, lekin cells are not immortal. Cells marenge. Then what is the need? What is the remedy? Remedy ye hai ki the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte, right? So can it be a permanent cure? Definitely not. It cannot be a permanent cure. Right? What can be the lines of permanent cure? Bone marrow transplantation treated by enzymes replacement therapy, bar bar. Or ek aur tarika aap apna sakte hain yahan pe ki embryonic stage mein agar ye changes kar diye gaye, to embryo will get corrected and the fetus will get corrected. Molecular diagnostic mein kya istemal, kya role play karte hain? Aapne dekha AIDS ko diagnose karne ke liye ELISA, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है ना, या किसी क्रोमोसोम के संग किसी डीएनए को एम्पलीफाई करना हो तो वी हैव व्हाट, पीसीआर, राइट? या आरएनए डीएनए के बहुत छोटे से छोटे कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकता है, राइट? और ELISA में प्रिंसिपल आपने देखा होगा, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. अगर किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया है तो उसके कारण हमारी बॉडी में कुछ एंटीजेंस बने होंगे, उन एंटीजेंस के कारण वो एंटीजेंस एंटीबॉडी डिटेक्ट कर पाती है, राइट? सो इफ यू सीक्रेट सम एंटीबॉडी व्हिच इज लेबल्ड विद सम मार्कर, तो अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो बाइंड करेगी, और वो मार्कर रहे वो ग्लो करना शुरू करेगा, एंड यू गेट द नॉलेज कि यस, इस ऑर्गेनिज्म में ये वाला प्रोडक्ट मौजूद है. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट वी टॉक अबाउट, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? Why do we need to have this transgenic animals? ऐसे animals की क्या जरूरत है जिसे हम बनाते हैं कैसे? By inserting some genes from other animals or other organism, right? Animals that have their DNA manipulated to possess and express an extra या foreign gene, right? तो ऐसे organism को कहते हैं transgenic organism. Rats, pigs, sheep, cow, fish, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है. आप देखिए यहाँ पे चिंपांजी से हमारी सिमिलरिटी 98% है, दिमाग की सिमिलरिटी माइस से 92%, फ्रूट फ्लाई से 44%, ईस्ट से 26% एंड प्लांट से 18%. दिस इज व्हाट इज गिवन. तो आखिर क्या वजह रहा होगा, व्हाई ट्रांसजेनिक एनिमल? नंबर वन, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. आखिर ये भी देखना है कि जीन्स किस प्रकार से रेगुलेट होते हैं, हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, है ना? ग्रोथ फैक्टर्स या इंसुलिन वगैरह किस प्रकार सीक्रेट होती है, इनका स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीस स्टडीज कैन नॉट बी टेकन प्लेस इन ह्यूमन मॉडल, राइट? सेकंड इज स्टडी ऑफ डिजीज. मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेस, कि जीन्स किस प्रकार से रोल करती हैं. सपोज कीजिए एक जीन्स है विच इज रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर
प्रॉब्लम, राइट, उसकी वजह से एक डिजीज नहीं होती है। तो अगर माइस में से वो जीन निकाल दिया जाए, नॉकआउट कर दिया जाए, द माइस विल बी अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर, और बाद में जो दवाएं हम इंसान पे चलाना चाहते हैं उनका परीक्षण हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिजीज में नॉन ह्यूमन मॉडल के रूप में माइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो वी हैव गॉट ट्रीटमेंट फॉर डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर, राइट। लेट्स टॉक अबाउट सम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, रेसेसिप ह्यूमन अल्फा एंटीट्रप्सिन सिक्रेट करती है, बनाती है, उसके मिल्क में होता है जिससे कि एम्फाइसीमा ट्रीट हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत। दूसरा, गाय हमारी माता है, अक्सर हमेशा कहते हैं क्योंकि काउज मिल्क इज न्यूट्रिशनली वेरी बैलेंस्ड, लेकिन नॉर्मली काउ का मिल्क और ह्यूमन मिल्क में एक बहुत बड़ा अंतर है। ह्यूमन मिल्क हैज गॉट रिच कंसेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, तो ये ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन का होना बहुत जरूरी है एक बैलेंस डाइट के लिए। सो नाउ रोजी में 1997 में ऐसे जीन्स डाले गए जिसकी वजह से वो ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन बनाना शुरू कर दिया, एंड नाउ द काउ इज ट्रांसजेनिक। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी। जो माइसेस हैं उनके ऊपर हम बहुत सारे वैक्सीन को ट्राई कर सकते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा मिला तो माइस मंकी पे जाएंगे, माइस पे जाएंगे एंड अल्टीमेटली देन वी कम टू द ह्यूमन। एक और चीज, केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग। जैसे कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में देखिए, बहुत सारे ऐसे बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर टॉक्सिक सब्सटेंसों का प्रयोग किया जाता है जिससे उनके स्किन पे एलर्जी या बाकी फैक्टर्स को हम देखते हैं, राइट, और उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि ये कॉस्मेटिक मार्केट में कितना चलेगा या कितना बिकेगा, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, एथिकल इश्यूज। जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं जरूरी है कि हमारे साथ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी उसी प्रकार से रहे, राइट, और हमारी एक्टिविटी से दूसरे को नुकसान नहीं हो। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिज्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, यानी अगर आपने जीन में चेंज कर दिए तो उसके कुछ नतीजे अजीबोगरीब भी आ सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाई है जिसका नाम है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब इसके काम देख लीजिए क्या करेगा, ये डिसीजन लेगा कि जीएम रिसर्च जो चल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का वो सही है या नहीं है, और दूसरा जीएम क्रॉप को सेफली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सेफ्टी के साथ और पब्लिक सर्विसेज में दिया जा सकता है, राइट। दैट्स अ वेरी वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन। फिर गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट्स अपने नागरिकों को पेटेंट देती है, ये पेटेंट क्या होगा, पेटेंट एक तरीके का राइट है जिससे कि इंसान उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। पेटेंट कब दिया जाता है, जब कि कोई इन्वेंशन हो, जब अर्लियर इन्वेंशन को सुधार कर कोई ऐसा इन्वेंशन किया गया हो जो और बेहतर हो, है ना, नया प्रोडक्ट बनाया जाना और उसके कॉन्सेप्ट या डिजाइन को बनाया जाना। तकरीबन एक केस के बारे में आपसे यह जिक्र कर लेता हूँ, ये एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन में ये केस अक्सर पूछा जाता है कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा वैरायटी ऑफ राइस भारत में ग्रो की जाती है जिनमें से 27 वैरायटीज बहुत ही खुशबूदार है जिसे हम बासमती के नाम से जानते हैं। अब ये बासमती चावल की विशेषता क्या है कि भारत में पुराने लिटरेचर में भी सुनने को मिलता है, लेकिन एक कंपनी आई मोनसेंटो, उसने भारत के बासमती राइस को अपने देश में उगाया और उसका नाम रखा टेक्सामती, टेक्सस में होने वाला, राइट, और कहा कि अब ये हमारा पेटेंट हो गया, अगर आप उगाते हैं तो आपको इस समय इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, राइट। सो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई, लेकिन जब डिजिटाइजेशन आया जिस प्रकार से, तो ये सारी चीजें बदल गई और जो पेटेंट्स हैं वो परेशान करना शुरू की कि भारत के प्रोडक्ट नीम, टर्मरिक, तुलसी, उनका पेटेंट अमेरिका में। सो दिस लेडी जिनकी बात हम कर रहे हैं, वंदना शिवा, सी इज द वन हु फॉट फॉर प्रोफेसर माशलेकर, वंदना शिवा, दीज आर सर्टन पीपल हु फॉट फॉर द पेटेंट राइट एंड गॉट इट बैक टू द कंट्री। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोपिरेसी। बायोपिरेसी क्या होता है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विद
विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, यानी जो रिसोर्सेज देश के हैं और वहां के लोगों के हैं, अगर उसका इस्तेमाल चुपके चोरी से कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज पिरेसी, और ये पिरेसी नहीं, बायोपिरेसी है, राइट? बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल नेशंस है, दे आर फाइनेंशियली वेरी रिच, बट बायोडाइवर्सिटी में उनका ज्ञान बड़ा कमजोर होता है. एंड यस्टरडे वॉज बायोडाइवर्सिटी डे, 22nd of May वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है. सो द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, बट दे आर नॉट यूजिंग इट इफेक्टिवली, सो दैट हैज टू बी यूज्ड. भारत में कई सारे एक्ट्स लाए गए. इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में लागू किया गया, बाद में उसमें अमेंडमेंट आया 1999, 2002 में अमेंडमेंट आया, 2005 में फाइनल अमेंडमेंट आया, सेकेंड अमेंडमेंट जिसकी बात करते हैं, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट जो 1 जनवरी 2005 से लागू हुआ, उसकी मदद से भारतीय क्रॉप्स को बाहर में पहचान मिली है, एंड दे आर नॉट नाउ सेलिंग इट एट द नेम कि ये प्रोडक्ट उनका अपना रहा है. सो इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड सेकेंड अमेंडमेंट बिल ऑफ इंडियन पेटेंट्स बिल दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द पेटेंट रूल्स एंड पेटेंट रेगुलेशन एंड इंश्योर्स दैट द कंट्री इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट दैट इट गेट्स, राइट? दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. होप यू विल रीड द टेक्स्ट बुक. नाउ यू हैव गॉट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट आई वॉन्टेड टू टीच यू. सो क्वेश्चंस को करते रहिए, रिविजन करते रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए.